वक्त मैं इस मकाम पे खड़ा हूँ, इसका नाम है जरदारी, जो बलोचिस्तान के जिला अरनाई में वाकई है। ये इलाके जो नीम गर्म इलाके हैं, यहाँ मुख्तलिफ जो जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, उनमें से एक ये मजरी की प्लांट या पौधा भी है, जिसे पत्तों में मजरी कहते हैं और तराली में सीख कहते हैं। ये खुदरो पौधा है, इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। इस वक्त मैं क्वेटा में सईद अहमद खान रोड पे वाके एक दुकान में बैठा हूँ। ये दुकान काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे जो मजरी है उसके अशिया के हवाले से एक अहम मकाम है। तो इधर हमारे जो दोस्त हैं दुकान के, तो इनसे मैं हाल अहवाल में लेता हूँ। सबसे पहले ये कि आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम एहसान है, एहसानुल्ला। अच्छा एहसानुल्ला भाई, ये है कि ये जो दुकान है ना, ये तो मैं बहुत अरसे से सर, ये आप जाम लगाए हुए तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले मिल गया। माशा इस दुकान को बहुत टाइम हो गया। वही ना, मैं बिल्कुल अपने बहुत ज़माने से मैं देख रहा हूँ यहीं पे ना, बल्कि पहले यहाँ पे इधर ही मतलब ये जो मजरी से चीज़ें बनते हुए ना, उसकी जो है चटाई है या और तरह मसाला या और टोकरी है, वो बनते मैंने देखा है यहाँ पर। यहीं पे आप लोग मजरी से चीज़ें भी बनाते हैं। आपने कहा कि ये जो आप लोगों की जो दुकान है ये पाकिस्तान बनने से पहले का। जी सर, यानी आप लोगों के जो बुजुर्ग थे वो दादा उनके जमानों से ये है। हाँ, ये तो काफ़ी पुरानी जगह है ना, और यहीं पे। अच्छा, ये जो मजरी जो है ना, ये मजरी आप लोग कहाँ से मंगवाते हैं? सर ये हम लोग अरनाई सेट हो गया, खुशदार इन सेटों से लोग ये जब लोग लाते हैं, फिर हम लोग इनसे खरीदते हैं। आप लोग का ताल्लुक किस इलाके से? अरनाई से। अरनाई में कौन सी जगह? अरनाई के बाजार थोड़ा आउट से कुछ बोलते हैं बाबियान को आप ले। और सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है मजरी जो है ना, वो शारक के जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पे मजरी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये उधर होते हैं, ये पहाड़ों पर कुदरती होते हैं ना जी, कि वो लोग काटते हैं फिर ले आते हैं, फिर उसे हम लोग खरीद के यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, आप लोगों की इस दुकान में मैंने देखा है कि तकरीबन बहुत ज़्यादा है, बहुत चीज़ें मजरी की हर किस्म चीज़ें यहाँ पर। अभी पहले जिस तरह इसकी चटाइयाँ होती थी हर जगह, अभी इस तरह नहीं है, तो ये अभी मतलब जवाल की तरफ ये जा रही है? हाँ, अभी इसके इतने खास नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट की समाज निकल के अभी ये लोग ये चीज़ें इतने नहीं होते नहीं हो रहे पहले ज़्यादा होता था, अभी इतना नहीं है खास कर। फिर पहले ये मकानों पर ले जाते स्ट्राइक छत पर डाली थी। हाँ, अभी वो भी इतना नहीं, वो भी नहीं। अभी सारे आउटसाइड में जो है ये बाजार में, मतलब पहले कमरों में बिछाने के लिए चटाइयाँ इस्तेमाल होते थे, लेकिन आजकल जो है कालीन आ गए या पहले दरिया अभी चटाइयों का वो ख़त्म हो, अभी उसको वो दौर ख़त्म हो गया उस तरीके से भी। अच्छा, ये बाकी जो चीज़ें हैं जिस तरह चंगेर है या इस तरह और जो चीज़ें होते हैं ना, जैसे छब्बी वगैरह, ये भी मेरे ख्याल इसकी भी डिमांड कम हो गई, तलब इसकी कम हो गई। नहीं, अभी भी है सर है, लेकिन वही ना आप जो कह रहे हैं जो प्लास्टिक की चीज़ें आप उन लोगों ने फर्क। हाँ, अभी इसमें जो रोटी ख़राब नहीं होती, उसमें प्लास्टिक में रोटी ख़राब होती, ठीक उसकी ये नुकसान है। इसकी जितने पूरा दिन आपका चाय के लिए तरमाज नहीं होते, चाय खराब नहीं होते, इसमें भी सुबह शाम तक रोटी उसी तरह सही रहते। प्लास्टिक वाले में आपको कैंटे तो रखो पड़े और सार खराब हो जाएगा। अच्छा, अभी अगर हम ये कहें कि मतलब इस गुज़श्ता पाँच साल में, मतलब आज से पाँच साल पहले
मतलब किस तादाद में ये फरोख्त और आज क्या पोजीशन इसकी फरोख्त की आप लोग यहाँ से क्या मतलब कितना सर इतना खास फर्क नहीं पड़ा इसमें अच्छा हाँ इसने इतनी खास फर्क की चीज़ों में नहीं पड़े लेकिन चटाई में इसने तो बहुत काफ़ी फर्क पड़ा है तकरीबन 80-90% तक चटाई की मतलब जो मांग है कम पड़ रही है फरोख्त आप लोगों का कम हो रहा है चटाई बिल्कुल लेकिन जो चंगेर और इस तरह के जो ये है रोटी रखने की ये चीज़ें ये अभी भी चल अभी भी क्योंकि आबादी बढ़ी तो लोगों में अभी भी कुछ रुझान है कि भाई चीज़ों को इस्तेमाल ये अभी भी इस्तेमाल का मतलब ये है अच्छा इस तरह अभी जैसे पहले चटाई की टोपियाँ होती थी चटाई के मसाले होते थे अब उसका डिमांड भी बहुत अच्छा खत्म हो गया नहीं वो खत्म हो गया ना अभी आजकल प्लास्टिक की लोग या और मसाले भी नहीं होते अच्छा जो टोकरियाँ हैं जैसे आप लोग क्या वैसे भी तो टोकरियों का डिमांड किस हद तक है वो भी इतना नहीं है कम हो गया बिल्कुल बहुत अच्छा इस तरह जो झाड़ू है ये भी कम हो गया हाँ ये सारे इतना भी नहीं है क्योंकि अभी सारे वो अलग चीज़ आ गए नहीं अली जो चंगेर है या इस तरह चीज़ों इन चीज़ों का भी कभी भी कुछ ये डिमांड मतलब है जी अच्छा इसमें जो पहले जो लोग थे रोजगार के अंदर जो इससे वाबस्ता थे मतलब जैसे अभी आपके खानदान में थे या जो बाकी लोग थे अभी उसमें तादाद भी कम होगी लोगों की इस पेशे से जो बहुत कम है पहले जो पेशावर से हम लोग जाते हैं वहाँ पे लोग बहुत अभी इतना नहीं होते नहीं हो रहा अभी खास एक एक जगह होते हैं अच्छा जो अरमाई के जो लोग थे वो जो इस तरह जितनी तादाद में बनाते थे वो लोग भी कम पड़ गए नहीं ये चीज़ें जो अरमाई वाले नहीं बनाते अच्छा क्योंकि शारक बाजार हम लोग गए उधर तो एक नहीं था अभी नहीं मिला बिल्कुल नहीं मिला पहले हर जगह होते थे 5% रहते बाकी सब ने काम छोड़ अच्छा क्वेटा शहर में जैसे आप लोग दुकान इसके अलावा आपकी दुकान मेरे ख्याल में नहीं 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 अच्छा ये जो जट जो है ना जो अभी आएंगे ना मतलब अभी आने वाले हैं मतलब इसी मार्च के हाँ ये लोग सिबी में सारे हाँ सिबी में तो ये आ जाते हैं तो ये लोग खाली झाड़ू पर काम करते हैं हाँ ये लोग झाड़ू बनाते हैं ये चटाई ये लाते हैं चटाई बनाते हैं बस और कुछ नहीं उनको और कोई चटाई है और ये वो है झाड़ू है झाड़ू है जी चटाई भी ये लोग मेरे ख्याल उस लिए बनाते हैं कि वहाँ पर हमने देखा ये जो मतलब ये टी आयरन है या टाइल है ना वो कहते हैं हमारे पास ये है कि जब लोग आते हैं अपने छतों के लिए चटाई का हमें ऑर्डर देते हैं कि इस साइज में उसका नाप है फिर हम कहते हैं हम इन जटों को कहते हैं वो फिर उसी साइज में हमें देते हैं 7 रुपए फुट के हिसाब से कहते हैं बनाते हैं हमारे लिए तो वो मतलब जो वो आते हैं वो लोग बनाने वाले मतलब अभी सरयाब में ये लोग उनके होते थे जुबियाँ रैच के लिए सीजन में अभी तो ऐसे शहर से दूर होते जा रहे हैं ये तो खाली चटाई है और झाड़ू है बस ये टोकरी तो नहीं बनाते नहीं नहीं उनको कोई काम नहीं ये दो चीजें ये दो चीजें बनाते हैं अच्छा आप लोग यहाँ पे क्या क्या चीजें बनाते हैं हम लोग भी अभी कुछ नहीं बनाते पहले बनाते थे अभी अच्छा जो टोकरियाँ ये कहाँ बनती ये वाली सर ये यही पे बनती है अच्छा टोकरियाँ लोग बनाते हैं बस खाली टोकरी और ये चटाइयाँ ये हम लोग अक्सर ही तैयार रहते हैं गाँव से अरनाई से अच्छा अरनाई अच्छा चटाई अरनाई में जी इधर आप खाली टोकरियाँ बस इधर खाली बनती ठीक ठीक और ये क्या कहते हैं उसको मतलब जितने बाकी जो चीज़ें हैं ये सारे मतलब ये सारे बाहर से ठीक आपको बहुत शुक्रिया है सिर्फ जंगली पत्ते ला कर मुख्तलिफ अशिया बना कर और फरोख्त करके अपनी ज़रूरत पूरी की जा सकती हैं ज़रूरत इस बात की है कि इस सनत की मुकम्मल रहनमाई और मावनत की जाए ताकि ये कदीमी वरसा अंजाम पजीर होने से बच जाए।